अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कल का फर्स्ट डे ट्रेनिंग का हमारा बहुत अच्छा रहा। कोर्ट बहुत ज़बरदस्त बने हुए, टोटल 4 कोर्ट बने हुए और चारों कोर्ट्स में कंटिन्यूस मैचेस चलते रहेंगे। आज हमारे 2 मैचेस हैं, एक है अगेंस्ट इंडिया और दूसरा मैच है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और ये तो लग भी ऑस्ट्रेलियन रहा है, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी आए हुए थे। और सच बता रहा हूँ, अगर ये वहाँ उनके साथ खड़ा हो जाता ना तो ऐसे ही लग रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलियन। तो भाई क्या हो गया, पहला मैच ही इन्होंने हमारा राइवल्स के साथ कर दिया है। इंडिया राइवल्स नहीं है, दोस्त है हमारे। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि जब हम कल मिले थे ट्रेनिंग के वक्त सब ऐसा लग रहा था कि भाई दोस्त है। सारे पाकिस्तानी लग रहे थे, सारे इंडियन लग रहे थे, साथ ही बैठे हुए थे इवन हम लोग सारे। बहुत अच्छा लग रहा था ट्रेनिंग करके भी। देखें आज मैच है तो इंशाल्लाह पूरी 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 कोशिश है। बहुत सारे लोगों की दुआएं भी हैं, चैलेंजेस भी हैं कि इंडिया को हराना है। इंडिया की भी अच्छी टीम है। और एक इनाम का भी ऐलान हुआ है सलीम भाई की तरफ से, जो कि हमारे मैनेजर हैं। उन्होंने बोला अगर पहला मैच इंडिया को आप लोगों ने हरा दिया तो मेरी तरफ से आप सबको अलबेक है। वैसे तो उन्होंने कैश प्राइस का अनाउंस किया था, कितना था? 20,000 रुपये का। लेकिन हमने बोला कि भाई वही ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट हो जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि पहला मैच हम इंडिया से जीतें और इस टूर्नामेंट का अच्छा आगाज़ करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक। अस्सलामुअलैकुम गाइस, हम लोग उठ गए अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई भी उठ गए और हम जा रहे हैं अभी नाश्ता करने। गुड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट मुबारक। हाँ ये है ना, नाश्ते में क्या क्या होगा? आंडे गरम आंडे। ये ख्वाजा भी है हमारे साथ, हम तीनों एक ही रूम में, ये बीच में। टेंशन नहीं है, सब हलाल है। ये चीज मैं ये यूनिक है, ये बंद टेस्ट इसका ही हो रहा है। ये देखिए आप कितना ये चीजी है हाथ में, इतना चीजी कि हाथ में बह रहा है। ये भी बड़ी जबरदस्त चीज है यार, मिल्क का है भाई। दिस इज कैवा एंड दिस शुड बी मिल्क। दिस इज बॉइल्ड वाटर और इसमें मेबी ये कैवा का दैट्स मिल्क के पास सही है। बस कुछ भी है, डेट पैकेज है भाई, फुल डाइट है। चाय का है ना, दूध होगा इसमें और चीनी, टी पाउडर लगता है। कंप्लीट डाइट है भाई। तो भाई ब्रेकफास्ट कर लिया और ब्रेकफास्ट बहुत ज़बरदस्त था, हर चीज़ थी वहाँ पे। प्रोटीन, प्रोटीन के बाद रुक क्यों? हर चीज़ थी वहाँ पे प्रोटीन। याद नहीं आ रहा, प्रोटीन H2O। कार्ब्स थे, कार्ब्स में क्या था भाई? रोटी मैंने नहीं खाई ना, तो मैंने कार्ब्स नहीं खाए। विटामिन सी जूसेस थे बहुत सारे, विटामिन ए। कौन से जूस थे? एक ही तो था, जूस था। तो आपको ब्रेकफास्ट कैसा लगा भाई? जोजी भाई और स्विमिंग पूल के बारे में क्या बताएंगे? स्विमिंग पूल के बारे में आए मैं दिखाऊं, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। बहुत जबरदस्त है, लिटरली बहुत जबरदस्त है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखें बिल्कुल स्टैंडर्ड, प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना हुआ है उस पर। लेकिन इस पर लिखा हुआ है कि नो स्विमिंग। ये देखें, नो स्विमिंग इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि इसमें पानी नहीं है, खुश्क है ये बिल्कुल। तो खुश्क में स्विमिंग करने का आपका नुकसान है, आपकी बॉडी वॉडी छिल सकती है, आप ज़मीन पर बार बार मुँह मार सकते हैं अपना। तो आप कभी भी याद रखिएगा, कभी भी जो है बगैर पानी वाले स्विमिंग पूल में स्विमिंग नहीं करिएगा प्लीज़। ये बताएं नाश्ता कैसा लगा आपको? नाश्ता पूरा इंग्लिश नाश्ता था माशाल्लाह से। और किस चीज़ की कमी थी इसमें? इसमें हमारे मुताबिक तो देसी ही कमी थी। हाँ देसी, हम लोग को पराठे अंडे चाय ये सब पराठे हो जाते और चाय हो जाती तो जो है वो
मजा आ जाता हमारे लिए। खैर वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे सब चीज अवेलेबल होती है बाहर हम लोग पर होती है, लेकिन ये है कि हमारे खेल के मुताबिक इन्होंने जो है नाश्ता या डाइट जो है अगर आप देखें तो खेल के मुताबिक बहुत अच्छी परफेक्ट डाइट थी। अयान भाई आपको कैसा लगा है क्या नाश्ता? जबरदस्त था, सही था, मजा आया खाने में, लेकिन ठंडा था थोड़ा। ये तो अब होता है भाई, इतना तो करना पड़ेगा। अजय भाई आपको पसंद आया नाश्ता? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आया यार, काफी मजे का बुफे था। सबसे अच्छी चीज क्या थी? सलमान, हमारे देसी खाने की कमी। हाँ, पराठे की कमी थी जो बेसिकली हलवा पूड़ी हो जाती है। क्या बात है, लेकिन चलो कराची आके खाएंगे तो ये तो करना पड़ेगा। सही है, खुश है वो खजर भाई, चेक करें ट्रॉफी रिवील कर दी इन्होंने यहीं पर ही ट्रॉफी, जो जीतेंगे वो यहाँ से मिलेगी, विनर की और ये रनर अप की। काफी बड़ी वीआईपी लग रही है। और इंडिया की टीम भी पहुंच गई है, पाकिस्तान इंडिया दोनों साथ खेलेंगे आज। Under-21 का मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। ट्रेनिंग कर रहे हैं लोग अभी, हम लोग के ट्रेनिंग में थोड़ा टाइम है, जो हमारा टाइम आएगा तो हम लोग फिर ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, इंडिया की टीम मौजूद है, मलेशिया, जापान, कोरिया और सब ने ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट कर दी है अपने टाइम के हिसाब से। इन्होंने शेड्यूल दिया हुआ था हर टीम को, एक एक घंटे का टाइम ड्यूरेशन है, उसमें सब ने ट्रेनिंग करनी है। तो हमारी ट्रेनिंग जो होगी वो होगी 4 बजे, और 4 बजे में अभी 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे हम लोग अभी यहाँ बैठेंगे, दूसरी टीम की ट्रेनिंग देखेंगे। और मैचेस जो हैं वो 5 बजे के बाद स्टार्ट है, 5 बजे ओपनिंग सेरेमनी है, उसके बाद जो है मैचेस स्टार्ट होंगे। आज सिर्फ Under-21 का मैच है और एक मिक्स का मैच है, तो ये 2 मैचेस होंगे। बात कोर्ट में आपको दिखा दूँ, कोर्ट बहुत बेहतरीन बना हुआ है, और ये है ग्रीन हॉल्स जहाँ पे हमारे मैचेस होंगे। यहाँ पे इंडिया ट्रेनिंग कर रही है अभी, और आगे वाले कोर्ट में कोरिया ट्रेनिंग कर रही है, वहाँ पे कोरिया, बाकी जापान की टीम है इधर, और मलेशिया टीम यहाँ बैठी है, और हमारी पाकिस्तान की टीम भी यहाँ मौजूद है, पाकिस्तानी प्लेयर सारे इधर बैठे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इंडिया से मैच जीत गए हैं और अभी मैचेस और भी बाकी हैं। इंडिया की अच्छी टीम थी लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छी फाइट की और ये मैच हम लोग जीत गए हैं माशाल्लाह से, और इसी जीत को बरकरार रखना है और आगे जो मुश्किल मैचेस हैं उनको भी जीतना है, क्योंकि मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग ये बहुत अच्छी टीम्स हैं, उनसे बहुत टफ टाइम होगा हमारा। सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, और मॉडल ट्रांसशिपिंग है जिसमें स्काई लाइफ कंपनी है और सीकोटेल कंपनी है, इन तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया इस टूर्नामेंट के लिए, और मेरे सारे जो भी अखराज आते हैं वो उन्होंने उठाए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान की टीम का पार्ट हूँ और यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया को हमने पहले मैच में शिकस्त दी है, उसकी उम्मीद यही है कि हम इस टूर्नामेंट में कोई मेडल ज़रूर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।